हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस या फिर बोल लीजिए कि सिंपल या हम बोल सकते हैं कि सडन हियरिंग लॉस इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो इसके अंदर हमें क्या सीखना है, तो कि सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होगी वो, उसके बाद उसकी इटियोलॉजी, फिर उसका मैनेजमेंट एंड लास्ट में इसका प्रोग्नोसिस क्या होगा वो, ये पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो कब हम बोलेंगे ये सडन सेंसर न्यूरल हियरिंग लॉस है, वो जो हियरिंग लॉस होता है वो 30 डेसिबल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। एंड ये हमें कब पता चलेगा, तो कि एक बार हमने मेजर किया एंड हमें इतना हियरिंग लॉस जानने को मिला तो हम उसको ये बोल देंगे, तो कि नहीं, हमें 3 बार मेजर करना है। तो हियरिंग लॉस 30 डेसिबल या उससे ज़्यादा ओवर एटलीस्ट 3 कंटिग्यूअस फ्रीक्वेंसीज एंड ये जो हुआ, ये हमने फर्स्ट पॉइंट देखा है, ये हमने सेकेंड पॉइंट देखा। एंड ये जो इवेंट हो रहा है ये हियरिंग लॉस का 3 कंटिग्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए, ये कितने समय के अंदर होना चाहिए, तो कि 3 डे या उससे कम समय के अंदर। अब इससे हमारा क्या मतलब है कि 3 डे या उससे कम समय के अंदर, तो पहले हम लिख लेते हैं, अकरिंग विद इन अ पीरियड ऑफ 3 डेज और लेस। ठीक है, मतलब क्या कि अगर कोई पेशेंट हमारे पास आके हमें बोल रहा है कि भाई मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, कम सुनाई दे रहा है, और हम पूछेंगे उसको कि भाई कितने समय से आपको ऐसा हो रहा है, तो वो बोलेगा कि भाई कल स्टार्ट हुआ या परसों स्टार्ट हुआ, तो वो जो ड्यूरेशन है वो 3 डे या 3 डे से कम होनी चाहिए। एंड जो हम मेजर करेंगे तो हमें हियरिंग लॉस देखने को मिलेगा वो 30 डेसिबल या उससे कम होना चाहिए। एंड ये जो हम मेजर करेंगे वो हम 3 बार मेजर करेंगे, तो 3 कंटिग्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए हमें ये मिलना चाहिए। तो ये हो गई डेफिनेशन कि कब हम सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस या सडन हियरिंग लॉस में लेबल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखनी थी इसकी डेफिनेशन, तो ये हमने देख ली है डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके बाद हमें देखना है कि इसकी इटियोलॉजी क्या होती है। तो इटियोलॉजी के अंदर मोस्टली क्या होता है, तो कि मोस्टली ये इडियोपैथिक होता है। एंड इसके अंदर हम 3 इटियोलॉजिकल फैक्टर्स को जानते हैं, या तो वायरल होता है, या तो वास्कुलर होता है, या तो फिर वास्कुलर मेम्ब्रेन्स रप्चर हो गए हो, ऐसा होता है। ठीक है, मोस्टली इडियोपैथिक होता है। बट इसके अलावा जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है उसको हम कैसे याद रखेंगे, तो बहुत से इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है, जैसे कि इन्फेक्शन, ट्रोमा, वास्कुलर, फिर ऑटोलॉजिक, टॉक्सिक, न्योप्लास्टिक, मिसेलिनियस एंड साइकोजेनिक। तो ये जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स है उसको मैंने किस तरह से याद रखा था वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने इस तरह से याद रखा था कि भाई आई मतलब कि मैं, एमपी में ईएनटी डिपार्टमेंट में, ईएनटी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो ईएनटी डिपार्टमेंट में बैठकर टीवी देख रही हूँ। ठीक है, एमपी यानी मध्य प्रदेश, तो मैं मध्य प्रदेश के अंदर ईएनटी डिपार्टमेंट में बैठकर टीवी देख रही हूँ, ऐसा मैंने याद रखा था। अब हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले है आई। आई मतलब क्या, तो कि इन्फेक्शंस। ठीक है, उसके बाद एमपी के अंदर एम का मतलब क्या है, तो कि मिसेलिनियस।
उसके बाद ये पी, तो पी का मतलब क्या है, पी पर से हमें क्या याद रखना है, तो कि साइकोजेनिक। ठीक है, फिर है ई एन टी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ई एन टी, मतलब कि हमारा जो सब्जेक्ट है ईयर नोज एंड थ्रोट, वो ना वो नहीं, यहाँ पे ई एन टी का मतलब अलग है। ई एन टी के अंदर ई मतलब कि ईयर से रिलेटेड, मतलब कि ओटोलॉजिक। ठीक है, उसके बाद है एन, एन मतलब क्या, तो कि नियोप्लास्टिक। फिर उसके बाद टी, टी का मतलब क्या है, तो कि टॉक्सिक। फिर इसके अंदर भी हम थोड़े ही देर में देखेंगे, बट हम ये हेडिंग की बात कर रहे हैं कि मेन जो एटियोलॉजिकल फैक्टर्स है वो कौन कौन से है। तो ये ई एन टी हमने यहाँ पे देख लिया, ई एन टी। उसके बाद है टी वी, तो वो हम देखते हैं, टी वी यहाँ पे लिख लेते हैं, टी एन वी। तो टी के ऊपर से है ट्रोमा, दो टी आया ना, यहाँ पे भी टी आया एंड यहाँ पे भी टी आया, तो एक टी का मतलब है ट्रोमा एंड दूसरे टी का मतलब है टॉक्सिक। आपको जो भी जहाँ पे भी रखना हो वो रख सकते हैं। उसके बाद वी, वी का मतलब है वेस्क्यूलर। ठीक है, तो आई मतलब इन्फेक्शंस, एम मतलब मिसेलेनियस, पी मतलब साइकोजेनिक, ई एन टी में ई मतलब ईयर से रिलेटेड यानी कि ऑटोलॉजिक, एन मतलब नियोप्लास्टिक, टी मतलब टॉक्सिक, फिर टी वी मतलब कि टी मतलब ट्रोमा, वी मतलब वेस्क्यूलर। तो आई यानी कि मैं मध्य प्रदेश के अंदर ई एन टी डिपार्टमेंट में बैठ कर टी वी देख रही हूँ। ठीक है, ये इटियोलॉजी है। अब ये जो हमने हेडिंग पढ़े हैं उसके अंदर क्या है वो हम जानते हैं। तो ये आई जो है, आई मतलब कि इन्फेक्शन था, तो इन्फेक्शन के अंदर क्या है कि मम्स, हर्पीस जोस्टर, मेनिनजाइटिस, एनसेफेलाइटिस, सिफिलिस, ओटाइटिस मीडिया, ये सब जो इन्फेक्शन है उस इन्फेक्शन की कंडीशन में ये हो सकता है। कौन कौन से इन्फेक्शन देखे हमने, तो कि मम्स, हर्पीस जोस्टर, फिर उसके बाद हमने देखा मेनिनजाइटिस, एनसेफेलाइटिस, सिफिलिस, ओटाइटिस मीडिया। ये कोई भी इन्फेक्शन है अगर किसी इंसान को, तो उस इन्फेक्शन वाली कंडीशन में ये सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। तो आई पर से हमने इन्फेक्शन देख लिए, उसके बाद क्या आता है, एम मतलब कि मिसेलिनियस। तो एम के अंदर, मिसेलिनियस के अंदर क्या है कि कंडीशन है, जैसे कि यहाँ पर ही लिख लेते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, उसके बाद है सार्कोइडोसिस, ये सब डिसीज के अंदर भी ये हो सकता है। उसके बाद पी मतलब कि साइकोजेनिक, मतलब कि साइकोलॉजिकल कोज है कोई। उसके बाद ई, ई के अंदर क्या था, तो कि ईयर से रिलेटेड कोई कंडीशन, तो ईयर से रिलेटेड कंडीशन जैसे कि मीनियस डिसीज, ठीक है, उसके अंदर ये हो सकता है। फिर एन मतलब कि नियोप्लास्टिक, तो नियोप्लास्टिक के अंदर ट्यूमर्स है जैसे कि एकोस्टिक न्यूरोमा है, ठीक है, एकोस्टिक न्यूरोमा जो हमारा ईयर के अंदर का ट्यूमर है वो। फिर सेरेबेलोपोन्टाइन एंगल के जितने भी ट्यूमर्स है उसमें से अगर किसी का मेटास्टेसिस हुआ हो तो कार्सिनोमेटस न्यूरोपैथी, ये सब कंडीशन के अंदर ये हो सकता है।
तो क्या है कि आपको इडियोलॉजी के अंदर ये जो मेन मैंने ये बताया है ना IMPENT, इसमें से जो मैंने आपको नाम बताया है वो आपको मेनली अच्छे से पढ़ने हैं। फिर उसके अंदर जो मैं बता रही हूँ ना, इसमें से आप अगर दो तीन भी याद रखेंगे तो चलेगा, बट ये जो मेन हेडिंग है अगर वो बन जाएगी आपसे एग्ज़ाम के अंदर, वो आप अच्छे से लिख लेंगे तो फिर आपको अंदर याद आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर से दो तीन डिसीज़ के नाम भी याद रखेंगे तो चलेगा, बट ये आपको ठीक से मेन हेडिंग आपको ठीक से याद रखने हैं। ठीक है, तो फिर टॉक्सिक के अंदर क्या है कि ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स अगर कोई ले रहा है पेशेंट तो ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स अगर कोई एक्सपोजर हो गया है तो फिर हम कहाँ पहुँचे, तो कि टीवी, तो टी के अंदर यहाँ पे हमें देखना है ट्रोमा। तो क्या है कि अगर पेशेंट को कोई हेड इंजरी हुई हो तो उसके कोई ईयर के कोई ऑपरेशन हुए हो तो नॉइस ट्रोमा, बेरोट्रोमा, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ कोक्लियर मेम्ब्रेन्स, ये सब कंडीशन के अंदर भी ये हो सकता है। फिर वेस्कुलर के अंदर क्या है तो कि हेमरेज हो गए हो तो वेस्कुलर के अंदर क्या है तो कि हेमरेज हेमरेज या फिर जो कोक्लियर आर्टरीज है हमारी या फिर लेबरिंथाइन जो आर्टरीज है उसके अंदर एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस हो गया हो तो, और ये जो हमारी लेबरिंथाइन और कोक्लियर जो आर्टरीज है उसका वैसोस्पाज़म हो गया हो तो, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर ये हो सकता है। फिर इसके साथ क्या है कि इसके साथ एसोसिएटेड अगर डायबिटीज़ हो तो, हाइपरटेंशन हो तो, ठीक है, इस सब के अंदर भी देखने को मिल सकता है। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, बट फिर से बता रही हूँ कि ये आप अच्छे से याद रख लेना। ये कोर्स ना पहली बार में ये समझने की चीज़ तो नहीं है, अब ये कोर्स तो हमें याद रखने पड़ेंगे ना, ये हेडिंग तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे, तो आप ये हेडिंग मेनली याद रख लेना एंड इसके अंदर दो तीन डिसीज याद रख लेना। ठीक है, तो ये कोर्स हो गए हमारे। ये फिर से देख लेते हैं कि आई मतलब इन्फेक्शंस, एम मतलब मिसेलेनियस, फिर पी मतलब साइकोजेनिक, ENT में ई मतलब ईयर से रिलेटेड मेनियस डिसीज, एन मतलब नियोप्लास्टिक जिसमें एकोस्टिक न्यूरोमा तो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, तो वो ट्यूमर एक याद रख लेना, या फिर CP एंगल के जो जितने भी ट्यूमर्स है सेरेब्रोपोन्टाइन एंगल के जितने भी ट्यूमर्स है उसमें से अगर कोई मेटास्टेसिस हुआ हो तो, टी मतलब कि टॉक्सिक या मतलब कि वो पेशेंट अगर कोई ऑटोटॉक्सिक ड्रग ले रहा है तो, या फिर इंसेक्टिसाइड्स के एक्सपोजर में आ गया है तो, ट्रोमा के अंदर क्या है कि ये हेड इंजरी हुई हो अगर पेशेंट को तो, या फिर उसके कोई ईयर ऑपरेशन, नॉइस ट्रोमा, ये सब देखा हमने। वेस्क्यूलर के अंदर हमने देखा कि भाई हेमरेज या फिर लेब्रेंथाइन और कोक्लियर आर्टरीज जो है उसका एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस, वो सब। ठीक है, तो ये हो गई इटियोलॉजी की बात। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की डेफिनेशन एंड उसकी इटियोलॉजी की बात की है। अब उसका मैनेजमेंट एंड उसका प्रोग्नोसिस जो है वो हम पार्ट 2 के अंदर देखेंगे। ठीक है, आज के वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।